मत मेरी जात जुला, हरि का नाम लियो मैला। जब लगता बा पाओ बेरी, तब लग बिसरे राम सने। जब लगता बा पाओ बेरी, तब लग बिसरे राम सने। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवे रघुराई। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवे रघुराई। जब लगता बा पाओ बेरी, तब लग बिसरे राम सने। जब लगता बा पाओ बेरी, तब लग बिसरे राम सने। परम सत्कार गुसा संग महापुरुषां दी याद विच गुरु साहिबां दे चरणां विच बैठे हो, जेड़े महापुरुष भगत संत होंदे ने, उन्हां दा जीवन ऐसा होंदा है वो बाकी तो सब कुछ छड़ सकते हैं, पर परमेश्वर का नाम नहीं। ये शब्द भगत कबीर साहब का। जात दे जुलाए मुसलमान सन, सोतर उन्ना इन्हों का काम से। कबीर साहब कहते एक दिन साड़ी मां साडे सामने बह के उची उची रोन लग पई। मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवे रघुराई। मां रोंदा देखे ते कबीर साहब कहंदे ने, मां तू रोनी क्यों है। मां कहंदी है रोवां ना ते होर की कर, काम तू करदा ने, हर वक्त नाम जपदा रहना, ते मैं सोचदी हां ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तू जीवना किस तरह है, जे कमाई नहीं करेगा तेरे बच्चे की खाणगे। तू काम नहीं करदा, मैं इस करके रोनी। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवे रघुराई। जब लगता बा पाओ बेरी, तब लग बिसरे राम सने। जब लगता बा पाओ बेरी, तब लग बिसरे राम सने। सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। कबीर दी मां कहंदी कबीर रोवां ना ते की करां,
तनना बुनना सब तजियो है कबीर। सूतर उनना तेनु चंगा नहीं लगता, हर का नाम लिख लियो शरीर। हरी दे नाम नू तू अपने शरीर ते लिख ले, पाव नाम नाल जुड़िया रहने, कम नहीं करदा मैं तारू नी। तनना बुनना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। जब लगता गा पाहो में तब लग बिसरे राम सने। जब लगता गा पाहो में तब लग बिसरे राम सने। मां दी गल सुन, तू सूत्र नहीं उनदा, ताना बाना छड़ दिता है मैं दारू नी। ते कबीर साहब कहंदे ने, मां मैं काम नहीं करदा, तू रोनी तू सच्ची। मैं काम नहीं करदा मैं सच्चा। मां हैरान होके कहन लगी, तू काम नहीं करदा मैं रोनी हां, मैं ता सच्ची होई। तू काम नहीं करदा तू केड़े पासों सच्चा। कबीर साहब कहन लगे, मां मैं की करा, जब लग जदों भी तागा सूतर नुके बाहो भी के है। सूतर अगे करन वास्ते मुंह विच लोहे दी नली पा के फूक मारनी पैंदी, इनू के है बाहो भी। कबीर साहब कहंदे ने, मां मैं की करा, जदू सूतर अगे करन वास्ते मैं फूक मारना तब लग उस वक्त विसरे राम सनेही, मैनु राम विसर जाता। सत्संग फूक मारन ते किन्नी देर लगती, पर कबीर साहब कहंदे ने मैं इन्नी देर भी राम तू दूर नहीं रह सकदा, ये काम नहीं करदा। एक असी है उम्र बीत जांदी, काम नहीं छड़दे नाम छड़दे ने। कबीर साहब कहंदे ने, मां मैं की करा, जदों फूक मारन लगना मैं उदों राम नहीं कह सकदा। जब लगता गा पाहो में तब लग बिसरे राम सने। जब लगता गा पाहो में तब लग बिसरे राम सने। ऊंची मत मेरी जात जुला, हर का नाम लियो मेला। कबीर साहब कहंदे ने, मां मेरी मत पैड़ी मेरी जात जुलाया, मेरा जन्म जुलाया दे घर, लोग मैनू नीवा कहंदे पर हर का नाम लियो मैला। जदों दा मैं नाम जपन लगा मैनू ये लाभ होया, जेड़े मैनू नीवा कहंदे सन जुलाया कहंदे सन ओ मैनू हुण मत्था टेकन लग पए। होची मत मेरी जात जुला, हर का नाम लियो मैला। जब लगता गा पाहो में तब लग बिसरे राम सने। जब लगता गा पाहो में
तब लाग बिसरे राम सने। कहते कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। कबीर साहब कहते ऐ मेरी मां मेरी गल सुन, तू तो एवें पई रोनी जिदा नाम मैं जपना, वो सारी दुनिया का दाता है, वो तेरी मेरी इन्हां बच्चियां दी पालना करेगा, तू तो एवें रोई जा। कहते कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। जब लग दादा पाओ पे तब लग बिसरे राम सने। जब लग दादा पाओ पे जब लगता का बाहों में तब लग बिसरे राम सने। गुरमुख बेड़ी भगत करे जाई कांत बहली बुलावे। भगत बेड़ी ये बड़े गरीब सन, पूरी नहीं सी पैंदे, घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता, कोई मां पुरुष मिले। कहन लगे बेनी सारा दिन काम करना है पर दुखी रहना, बरकत नहीं पैंदी। जे तू नाम जपे तेरे काम च बरकत पवे, पर एक शर्त है, भगती करी जरूर पर किसे नु दसी ना, क्योंकि कई बार दसन दे नाल मन विच हंकार आ जाए। महापुरुषा की यह गल चंगी लगी, आप नू भी ते सारे महापुरुषा ने सदा दिता है कि भाई पहुंचो महापुरुषा की याद मना रहे। जिन्हां नू महापुरुषां दी गल चंगी लगी वह सारे आ गए, जिन्हां नू ये गल चंगी नहीं लगी वह नहीं आए। इहदे विच महापुरुषां दा तां कुछ नहीं विगड़ना, जिहड़े आ गए कुछ खट लैणगे, जिहड़े नहीं आए उहनां पल्ले ही संगत ने। भाई गुरदास जी बयान करदे गुरमुख बेड़ी भगत करे जाए कांत बहली बुलावे। बेनी एकांत जिथे कोई रौला रप्पा नहीं, अमृत वेले उठदा एकांत विच जाके बह जांदे ते अपना मन परमेश्वर दे नाल जोड़दे। गुरमुख बेनी भगत करे जाए कांत बहली बुलावे। कर्म करे अध्यात्मी होरस किसे ना अजर लखावे। पर ये जेड़ा भगती का कर्म है भगत बेनी किसे नू दसदे नहीं। इथों तक अपनी घरवाली नू भी नहीं दसिया कि मैं कित्थे जाना। एक महापुरुष बाजार विच तुरे जा रहे सन, एक वेसवा हाथ विच कुत्ता है, महापुरुषां दे सामने आई ते मखौल कीता। कहन लगी बाबा तेरी दाढ़ी में चिट्टी है,
मेरे कुत्ते दी पूछ भी चिट्टी है, ए दस तेरी दाढ़ी चंगी के कुत्ते दी पूछ चंगी। उस दा मखौल कीता, पर महापुरुषा ने बड़ी दूर दी सोची। महापुरुष कहन लगे, बेटा एदा जवाब तैनू फेर दिया ने, अंत समा आया। सेवका नू कहा, उस वेसवा नू बुला के लियाओ जिन्हें मखौल कीता। वेसवा आई, महापुरुषां कहा, बेटा तेनू याद है तू एक सवाल कीता सी? कहन लगी, नहीं। महापुरुष कहन लगी, पर सानू याद ए हुई तो फर्क है संसारियां विच ते भगतां विच। महापुरुष कहन लगे, बेटा तू क्या से बाबा तेरी दाढ़ी चंगी के मेरे कुत्ते दी पूछ चंगी? वेसवा हस पई, कहन लगी, बाबा एदा जवाब तू पहला भी दे सकदा सी। महापुरुष कहन लगे, नहीं बेटा, मैनू पता सी कि मैं हाली होर जीवना, कोई माड़ा कर्म नहीं सी कीता, पर की पता सी ओदी निगाह कदों पुट्ठी हो जाए, कदों मन डोल जाए, गुनाह कर बैठा ते मेरी दाढ़ी भैड़ी हो जाए, क्योंकि की पता है मेरी कीती बंदगी ओनू प्रवान होई कोई। हुण मैं दावे नाल कह सकदा, मैं कोई माड़ा कर्म नहीं कीता, मैं उजला मुख लैके जा रहा, मेरी दाढ़ी चंगी है तेरे कुत्ते दी पूछ पैड़ है। कई बारी कई प्रेमी झाड़ू फेरदे ने गुरुद्वारे, भांडे मांजदे ने, पाठ करदे ने, ते मन विच इच्छा हुंदी कोई आके ये बड़ी सेवा कर, ये बड़ा पाठ कर दे, ये बड़े भांडे पिया मांज दे। जदों मन विच ऐसी भावना है कि कोई कवे ये बड़ी सेवा करदा है, वो सेवा परवान नहीं। कर्म करे अध्यात्मी होर किसे ना अजर लगावे। इत्थे ते किसे दा लिहाज नहीं, सच दे नबेड़े। कई वारी साडे मन विच भी आ जांदा कि कीर्तन करके हटे हां, कोई कवे कीर्तन बहुत चंगा किया। कई वारी इच्छा हुंदी है कि पता नहीं कीर्तन किसे नू चंगा लगा कि नहीं लगा, पर सात संगत जदू ऐसी भावना मन विच आ जाए उदू समझो कीता ता है, बाणी पढ़ी ता है, पाठ कीता ता है, सेवा कीती ता है, पर किसे लिखे नहीं, क्योंकि मन विच इच्छा है कोई कवे कि बड़ा पाठ पिया करता है, बड़ा कीर्तन करता है, बड़ी सेवा करता है। ते जदू मन विच ऐसी भावना नहीं उदू सेवा सिमरन प्रवान हो। कर आया जा पुछिए राज द्वार गया अलावे। सवेरे चले जाना, सूरज डुबना, भगत बेनी ने घर आना, ते घर वाली ने कहना किथे गए? घर आया जा पुछी, सवेर दे गए सी, सूरज डुबा आना है, वो भी खाली हाथ। ते अगू कहना, पलिए लोके मैं राजे दे दरबार कथा करन जाना, कथा दा भोग पवेगा, राजा सानू बहुत माया देवेगा, साडे सारे दुख दूर हो जाने। कर आया जा पुछिए राज द्वार गया अलावे। कर सब वत मंगियन वल छल करके छत लगावे। कर सब वत, घर वाली ने कहना अज आटा नहीं, अज दाल नहीं, अगू बहाना ला देना,
बस तू फिकर ना कर, कथा दा भुग पैणी वाला। ते घरवाली ने कहना चंगा तुहाडा राजा, वो कथा कराई जांदा है, वो कोई पैसे नहीं देंदा, कोई सौदा पत्र नहीं देंदा, कोई ना कोई बहाना लाना ते अपना समा पास कर दे। वल चल करके चत लंगावे, वड्डा सांग वरतदा, ओ इक मन परमेश्वर जावे। पर कदू तक चल गए, उधार मिलना भी बंद हो गया, ऐसी नौबत आ गई। एक दिन चूल्हे अग ना बली, बच्चे भूखे सुते, शाम पई भगत बेणी जी घर आए खाली हाथ। घरवाली ने कहा कुछ लेके आए, ओहो ही जवाब पलिए लोके कथा दा भोग नहीं पे। घरवाली दुखी सी, कहन लगी जे ये हाल रहा ते साडा जरूर भोग पै जाए, आज बच्चे भुखे सुते, उधार भी नहीं मिलता, इन्हों का दुख मैं देख नहीं सकता। चंगा तुहाडा राजा, कथा कराई जांदा है, वो देंदा कुछ नहीं। इस तरह करो, सवेरे जब कथा करन जाओगे ना, इन्हों बच्चियां नूं नाल लै जाओ, तुसी जाणो तुहाडा राजा जाणे, तुहाडे बच्चे जाणे, मेरा भी जिधर दिल करेगा मैं भी चली जावांगी। घर विच बड़ी लड़ाई हुई, घरवाली दियां कौड़ियां गल्लां पर सच्चियां सन सुनिया, कान लवेट के ते लम्मे पै गए की जवाब दे। वड्डा सांग वरतदा, ओ इक मन परमेश्वर ध्यावे। हुण ओ ते परमेश्वर नूं ध्यांदा है, घरवाली नूं की दस्से केड़ा राजा। अद्धी रात होई, भगत बेणी जी सोची पै गए, घरवाली गुस्से च है, इन्हें सवेरे बच्चे नाल तोड़ देने, राजा कोई है नहीं, किथे लैके जावां। अमृत वेला होया, दबे पैरी उठे, बुआ खोलिया, जिथे रोज जाके भगती करदे सन, बच्चियां नूं सुत्ता छड़ के उत्थे जाके बह गए। पर अज मन डाढा दुखी, ते कई वारी दुखी मन परमेश्वर दे नाल जल्दी जुड़ जांदा। जे मन विच वैराग नहीं ते उहदी प्राप्ति नहीं। भगत बेणी जी थे भगती करन लग पए, ते दूसरे पास पैज सवारे भगत दी, राजा होए के कर चले आवे। उस हरी ने आप राजी दा रूप धारिया, गड्डा समान दा भरिया, आप भगत बेणी दा बुआ खड़काया, बुआ खोलिया, सामने राजा खड़ोता। भगत जी दी घरवाली नूं कहन लगे, ये सारा समान भगत बेणी ने भेजे, ओदी कथा दा भोग पै गया, भाव ओदी बंदगी प्रवान हो गई। सात संगत, ओ परमेश्वर जी दे दर्शना वास्ते सारी उम्र लोग तरसते, दर्शन नहीं होंदे क्योंकि मन साफ नहीं, ते जिन्हां दे मन साफ नहीं उन्हां दे बूहे आप ओ हरी जाके खड़कांदा। घर जिहड़ा सी समान दे नाल भर दित्ता, पैज सवारे भगत दी, राजा होए के घर चलिया। दे दिलासा तुस के अनगणती खर्ची पहुंचावे।
दिलासा दिता। अनगणती खर्ची इन्ना कुछ दिता कि जिसे गिनती नहीं हो सकती। बचन हो रहे सन कि बाबा जवाहर सिंह जी, बाबा भगत सिंह जी सरगोदे, जदू पानी की कमी सी ते टोबा पटवा रहे सन तला छोटा जा पानी। काफी मुसलमान सेवा करने आए हुए सन। समय हो गया सी के भुख भी लगी सी जिहड़े सेवा कर रहे सन। बाबा जी ने छोटी जी कढ़ाई चुल्हे ते रखी ते विच गुड़ पा के कहन लगे कड़ा प्रसाद बना। ते एक मुसलमान बाबा जी नूं कहन लगा इन्ने आदमी ने खाण वाले छोटी जी कढ़ाई है, ये तो मैं कल्ला ही खा जावां ते तां वी नहीं रजणा। ते बाबा जी ने कहा तू जिन्ना खाना है खा लेंगे, तू थक जाएगा पर असी नहीं थकना। उत्ते परना पवा दिता ते कहन लगे भाई हुण वरताई जाओ, जिहड़ा छकदा है वह छकी जाओ। छोटी जी कढ़ाई नाल सुखमनी साहब का पाठ शुरू कर दिता, क्योंकि बाबा जी सुखमनी साहब का पाठ बहुत करते सन। फिर है भी सुखां दी बहिणी, असी ते कदी बाणी नूं इन्नी श्रद्धा नाल पढ़िया नहीं जिन्ना पढ़िया विचारिया उन्हां दी याद विच मेले लगते। उसे छोटी कढ़ाई विच कड़ा प्रसाद वरतदा गया, सारे खा खा के रज गए पर कड़ा प्रसाद खत्म नहीं होया। यह बरकत है नाम दी बाणी दी, पर यह उन्हां ते बख्शिश होंदी है जिन्हां दे मन ऐसे। भगत बेनी का भी घर भर गया, ना माया की कमी ते ना होर वस्तुआं दी। ते दिलासा तुसके अनगणती खर्ची पहुंचावे, ओथों आया भगत पास होए दयाल हेत उपजावे। फिर ऊपर परमेश्वर उथे आए जिथे भगत बेनी बंदगी पै कर दे, अखां खोलियां दर्शन कीते, वो बेनी जिहड़ा दुखी रहिंदा घर का खर्चा पूरा नहीं होंदा, नाम जपिया परमेश्वर मिलिया, माया तां मिली होर की मिलिया। भगत बेनी बाणी उचारण लग पे। धन गुरु अर्जन साहब ने होर कृपा की थी, भगत बेनी नूं बाहों फड़ के अपने नाल बिठा लिया, उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज की। जदों भी आपां गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदे हां, भगत बेनी नूं भी असीं मत्था टेकदे। सत्संग ते नाम दी बरकत। महापुरशां कोल आए हां, महापुरशां कोल की है, एक नाम है, ये नाम दी बरकत है। इसे वास्ते महापुरश कहंदे ने भाई असी नाम जपिया सानू परमेश्वर मिलिया, आओ तुस भी नाम जपो, तुस भी साडे वर्गे बनो। समा समाप्त है। आखिरी पंक्ति, काम धंधे नहीं छड़ने पर काम करदिया होया नाम नहीं विसारना, यह गुरु नानक का गुरु घर का उपदेश है। जब लगता गा पाओ बेनी, तब लग बिसरे राम सने। जब लगता गा पाओ बेनी, तब लग बिसरे राम सने। राम सने कहते कभी
सुनो मेरी माई, हमरा इनका दादा एक रघुराई। जब लग दादा बाहों में, तब लग बिसरे राम सने। जब लग दादा बाहों में, तब लग बिसरे राम सने। राम सने, राम सने।